अभी प्रेपरेशन चालू है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं कितना अलाउड है, बट डेफिनेटली जैसे मैंने ट्वीट में भी कहा आज, दैट टुडे जेन्युइनली मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, क्योंकि एक मैंने मन में बोल दिया था कि मुझे राजामौली सर के साथ काम करना है और वो पूरी हो गई, सो और पूरी हो रही है, सो दैट ग्रैटिट्यूड आई रियली फील इमेंसली. और मेरे इट्स माई फर्स्ट टाइम वर्किंग यू नो इन द साउथ इंडस्ट्री, सो आई एम रियली एक्साइटेड. आई थिंक जब मैं कोई भी फिल्म करती हूँ तो मैं वो कैरेक्टर के हिसाब से और डायरेक्टर के हिसाब से काम करती हूँ. मैं अपने आप को भूल जाती हूँ. आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैंने कौन सा बेंचमार्क किया है. कैरेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो डायरेक्टर मुझसे चाहते हैं कैरेक्टर के हिसाब से, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. सो जो भी क्रिएट किया है मुझे पता नहीं है, मैं बस अभी इस फिल्म में जाके कुछ ऑनेस्ट और अच्छा क्रिएट करना चाहती हूँ. मैंने अभी एक्चुअली ट्वीट किया था कि जो द नेशंस वॉइस इज़ द नेशंस चॉइस. सो जो हमारा जो इलेक्शंस होता है वो हमारे जो एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और जो भी हमारे कंट्री में है उनके लिए होता है. इट्स फॉर द कंट्री. सो आई अर्ज पीपल टू गो आउट देयर एंड कास्ट देयर वोट एंड मेक अ चॉइस. थैंक यू. थैंक यू. जस्ट कि मैं बहुत सारा केक खाने वाली हूँ. थैंक यू. हाय. फर्स्टली साउथ इंडिया से मैं अपने आप को रिलोकेट इसी साल किया है मैंने. जनवरी एंड में मैं बॉम्बे आई हूँ एंड कईयों से पहले ही मेरी यू नो पहचान थी. एंड न्यूली आई एम मीटिंग मीडिया, आई एम मीटिंग फोटोग्राफर्स, आई एम अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस. वहाँ पे कुछ 40 फिल्मों में काम किया है और यहाँ पे बहुत नया नया माहौल है, बहुत ताज़ा लग रहा है सब कुछ. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू फर्स्ट इवेंट्स ऑफ माई लाइफ दैट आई एम अटेंडिंग इन बॉलीवुड. काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग इवेंट. एंड यहाँ पे बॉम्बे में मैं कुछ काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट सुन रही हूँ. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन बॉलीवुड दिस ईयर एंड मीट ऑल ऑफ यू मोर ऑफन. मैं मेरे डैडी के बाद अगर मेरे और के ड्रीम हीरो थे, एज अ चाइल्ड आई फेल इन लव विद शाहरुख खान आफ्टर आई वॉच बाजीगर. तो यस, आई थिंक ही विल ऑलवेज बी माय ड्रीम हीरो. बट आजकल के नौजवान जो बहुत काफ़ी नए जेनरेशन आ गए हैं, जैसे राजकुमार राव, विकी कौशल एंड सो मेनी, कार्तिक आर्यन, आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद दीज गाइज. दे आर ब्रीज ऑफ फ्रेश एनर्जी एंड आई समवेयर रियली फील लाइक आई कनेक्ट विद द न्यू जेनरेशन. थैंक यू. Yeah.